तो स्वागत है गाइस आपके अपने चैनल में टेक इंडिकेटर में। तो जी हाँ, ऐसे पांच सेटिंग जो ऑन रहते हैं आज की, आज आप उसे ऑफ कर दो यार। मतलब आपके डाटा से लेके आपके बैटरी लाइफ तक उन लोग एक्सपेंड नहीं कर पाते, मतलब उसके ऑन रहने की वजह से। तो इसको ऑफ करोगे तो आपकी बैटरी भी सेव होगी, आपकी डेटा भी सेव रहेगा यार। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो नॉलेज और दूसरे को बढ़ाओ यार। तो वीडियो की तरफ बनते हैं, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहले है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड। अभी इसका क्या होता है, हम लोग सिंपली हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पे, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, यहाँ पे अबाउट फोन में जाएंगे। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको विजन में मिलेगा, विजन यहाँ पे 7 बार क्लिक करना है आपको इसमें, तो जो आपका डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली आप क्या करें, हम लोग बैक ले लेंगे, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है। एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद देखा यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन, डेवलपर ऑप्शन आएगा। देखो अगर ओप्पो का फोन है तो सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, तो इसमें आप यहाँ पे कोड अपना डाल लो पहले फटाफट। यहाँ पे मैं कोड डाल लेता हूँ अपना, और तो यहाँ पे मैं डाल दिया फटाफट, तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन मेरा स्टार्ट हो जाए। तो सिंपली हमें डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे एकदम, तो यहाँ पे सबसे डाउन साइड पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर ये ऑफ मतलब दूसरे पे सेट रहता है प्रोसेस, अगर हम लोग इसको ऑन कर देंगे मतलब, तो जो बैकग्राउंड में मतलब हम लोग का डेटा कंज्यूम होता रहता है या फिर कोई भी मतलब चलते रहते एप्लीकेशन, वो नहीं होएगा यार, नो, एक भी नहीं होएगा। तो यहाँ पे एक भी पे नहीं कर देना, सिंपली देख लो यहाँ पे आपको कुछ भी क्या करना है, कहीं भी आपको मतलब चल रहे ना, तो वो बैटरी लाइफ भी सेव करेगा और आपका डेटा भी एक्सपेंड नहीं करेगा, वो बंद हो जाएगा सिंपली। तो ये अच्छा लगा तो एक बार जरूर ट्राई करो और बताओ कैसा लगा आपको, अगर कमेंट करेगा तो। सिंपली देख लो यहाँ पे आपको नो बैकग्राउंड प्रोग्राम प्रोसेस में यहाँ पे आपको सेट कर लेना है, तो सिंपली एक नंबर का है, तो जरूर एक बार ट्राई करो। तो ओवर डाटा यूजेस, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। सेटिंग्स में जाना है सिंपली, सिंपली जाने है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डुअल सिम्स एंड मोबाइल डाटा का, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर स्क्रॉल डाउन करोगे तो देख लो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर ऊपर का मोबाइल चेंज करो तो जो डाटा यूज़ करता है तो उसका हम लोग देखा जाता है, नोटिफिकेशन ऑन रहता है। तो सिंपली इसको क्या करना है, हम लोग को फटाफट ऑफ कर देना है, तो हम लोग को जो बैकग्राउंड जो एप्लीकेशन चलते रहते हैं तो डाटा यूज़ करते रहते हैं, तो सिंपली इसको ऑफ करने के बाद मतलब वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। सिंपली मैं बता चुका, अगर मेरे वीडियोज़ देखते हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मस्त मस्त बताता हूँ मैं, तो ऐसे ही बता दो, सिंपली आप ऑफ कर लो तो ये अच्छा लगेगा। तो कोई भी बैकग्राउंड में मतलब नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं, जब डेटा मिलेगा ही नहीं उसको तो चलेगा कैसे। तो नोटिफिकेशंस, अभी सिंपली इसको क्या करना है, सिंपली सेटिंग्स में जाना है हम लोग को, सिंपली सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार आएगा, तो यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक कर लेना हम लोग को। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन, यहाँ पे सिंपली देखो यहाँ पे आपको जितने भी एप्लीकेशन होंगे उसके नोटिफिकेशन, क्या वो बैटरी तो कंज्यूम करते हैं जितने, और डेटा भी कंज्यूम करता है। तो ये देख लो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन होंगे ना, सिंपली इसको क्या करना है, आपको जो भी जो मतलब इसमें से चेक कर लो आपको जो भी रखना है। सिंपली मेरे को अगर मेरे को टिकटॉक रखना है तो यहाँ पे जाऊंगा, तो यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन इसका हम लोग ऑफ कर दूंगा। जैसे ऑफ करने के बाद यहाँ पे डेटा भी तो मेरा यूज़ नहीं होगा और बैटरी भी सेव, जो नोटिफिकेशन आते हो उसकी भी बैटरी सेव हो जाएगी मेरी। तो ये अच्छा लगा मुझे, तो जरूर ट्राई करो एक बार और बताओ कमेंट करके कैसे लगा ये वाला। तो सिंपली क्या करना है हम लोग को, जीपीएस, अब ये जीपीएस सिंपली क्या करना है आपको, अगर अंदर जाना है तो अंदर जा लो सेटिंग्स में, तो हमें स्क्रॉल डाउन कर लेते हो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा होल्ड डाउन करके रखना है उसको जीपीएस का। तो सिंपली मैं इसको होल्ड डाउन किया, सिंपली देख लो हाई करेंसी, देखो ये कहीं भी ऑन रहता है ना तो ये वाईफाई भी ढूंढता है और नेटवर्क भी ढूंढता रहे, मोबाइल नेटवर्क भी सर्च करते रहते। तो सिंपली इसको क्या करना है, अगर जीपीएस हम लोग ऑन करते हैं तो ये सब सब सर्च करते रहता है। तो सिंपली इसको क्या करना है हम लोग को, अपने ऑप्शन आएगा यहाँ पे डिवाइस ऑनली, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे डिवाइस ऑनली। तो यहाँ पे इसको क्या करना है हम लोग को, इसे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली ये क्लिक करने के बाद ना आपकी बैटरी लाइफ भी बच जाएगी और जो नेटवर्क सर्च कर रहे हो वो भी नहीं होएगा, तो मतलब वाईफाई पर जो सर्च कर रहे हो तो वो नहीं होएगा, तो बैटरी बच जाएगी। सिंपली ट्राई करो एक और बार। ऑटो अपडेट्स, ये लास्ट वाला है, तो ऑटो अपडेट सिंपली इसको क्या करना है अपने मतलब हम लोग को अपने प्ले स्टोर में जाना है हम लोग सिंपली, और यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है, यहाँ पे 3 लाइन वाला यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स पे चले जाना है। यहाँ पे सिंपली सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देख लो ऑटो अपडेट्स एप्स ऑटो प्ले वीडियो। तो सिंपली क्या करते हैं मतलब ऑटो ऑटो मतलब अपडेट्स आते हैं तो ऑटो भी कर लेते हैं, या फिर हम लोग को सिंपली इसको क्या करना है, डोंट ऑटो अपडेट एप्स पे हम लोग को क्लिक करना है दोनों को, तो डोंट ऑटो प्ले भी क्लिक करना है। तो सिंपली ये करने के बाद मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन रहेगा मतलब प्ले स्टोर है, वो ऑटो अपडेट नहीं लेगा या फिर ऑटो वीडियो प्ले भी नहीं होगा जब तक आप उसको परमिशन नहीं दो, तो आपके डेटा भी और आपकी बैटरी भी बच जाएगी। तो सिंपली वीडियो कैसा लगा ये सब तो कमेंट करके बताओ यार, कौन सा आपका फेवरेट इन सेटिंग्स में से तो जल्दी बताओ, और चैनल पे नए आए ना यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ही जाना, और लाइक करो और शेयर करो, नॉलेज और बढ़ने दो यार। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।